किसानों के साथ छल कपट कर अवैध तरीके से बीज बेचने वाले दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इन आरोपियों द्वारा समय से पहले अधिक कमाई के लालच में क्षेत्रीय किसानों को अन्य कंपनी के बीज रीपैकिंग कर बेचने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके तहत दिनांक 1 मई एवं 2 मई को SDM मिलिंद ढोके के निर्देश अनुसार वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों द्वारा दो अलग अलग गोदामों पर दबिश देकर बीज रीपैकिंग करने का पर्दाफाश किया था, जहां अनेक सबूतों के आधार पर अधिकारियों द्वारा ठोस कार्यवाही करते हुए किसानों से धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों पर 4 मई को बड़वाह थाने पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों पर रासुका की कार्यवाही की गई। खरगोन जिले के बड़वाह नगर स्थित काटकुट फाटे स्थित गोदाम पर स्टार गोल्डन कंपनी एवं मनिहार स्थित गोदाम पर सिनर्जी सीड्स कंपनी के एक्सपायरी बीज अवैध तरीके से रीपैकिंग करने एवं बिना अनुमति के भंडारण करने के मामले में स्टार गोल्ड कंपनी के सेल्स एरिया मैनेजर सुमेर पिता कड़वा गुर्जर निवासी ड्रीम सिटी बड़वाह एवं सिनर्जी सीड्स कंपनी से जुड़े इमरान पिता यूनुस मेमन निवासी गुरु नानक मार्ग बड़वाह को स्थानीय पुलिस विभाग ने 11 मई को हिरासत में लेकर न्यायालय बड़वाह में पेश किया था, जहां से दोनों आरोपियों को 3 दिन का रिमांड मिला था। भारतीय किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में जिला वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोनों आरोपियों पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि बड़वाह थाना प्रभारी TR पटेल ने बताया कि इस मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी। बीज भंडारण अपराध में जो शुरू में अपराध 477 कायम था, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 3 दिन का PR किया गया था और आज उनको GRSU माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा और दोनों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दोनों आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट।